तो देखिए, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे आपको SN1 और SN2 रिएक्शन। तो SN1 और SN2 रिएक्शन पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताया गया था। अभी जो है कि होमवर्क आपको पिछला क्लास में दिए हुए थे, उसी होमवर्क को अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है 10.7। तो 10.7 है यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि SN2 जो है कि मैकेनिन से कौन सा कंपाउंड अधिक तेजी से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर पहला में है, फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर तीसरा, तीन क्वेश्चन है। और तीनों में पता करना है कि कौन सा कंपाउंड SN2 रिएक्शन से अधिक तेजी से रिएक्शन करेगा और कौन सा कंपाउंड जो है कि स्लो रिएक्शन करेगा। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना होगा डिग्री, कि किस कंपाउंड का क्या डिग्री है। तो पहले हेलोएल्केन का डिग्री बनाएंगे या डिग्री ज्ञात करेंगे। डिग्री ज्ञात हो जाएगा तो यह क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसका डिग्री ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब इसका डिग्री ज्ञात करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि किसका डिग्री कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो है कि एक क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर C लिख दिए और एक कैच इधर, एक कैच यहाँ पर, एक कैच यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर C 2H है, तो एक कैच ऊपर, दूसरा H नीचे, फिर C, एक कैच ऊपर, दूसरा H नीचे, फिर यहाँ पर C 2H है, तो एक कैच ऊपर, दूसरा H नीचे, और यहाँ पर Br। तो यह जो कंपाउंड आपको दिया गया है यहाँ पर, इसमें जो है कि यह स्ट्रक्चर बना दिया गया। अब दूसरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो यहाँ पर C 3H है, एक एच यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। फिर आगे बढ़ते हैं, एक सी 2H है, तो एक एच ऊपर, दूसरा एच नीचे, फिर सी एच ऊपर और बियर यहाँ पर नीचे, फिर सी 3H है, तो तीनों साइड में 3H लिख दिए। तो यह कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग बना चुके हैं। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसका डिग्री पता करेंगे। यदि डिग्री हम लोग पता कर लेते हैं तो यह क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो डिग्री किस कार्बन एटम का पता करेंगे, तो वैसा कार्बन एटम जिसमें ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो उसी का हम लोग डिग्री पता करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन का जो है कि एक साइड कार्बन के कंपाउंड है, तो इस कार्बन के एक साइड कार्बन कंपाउंड है, बाकी दोनों साइड हाइड्रोजन है, तो एक साइड कार्बन है, इसीलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन है, इसके दो साइड कार्बन के कंपाउंड, एक इधर एक साइड इधर, तो इस कार्बन के दो साइड है, इसीलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। यदि इस कार्बन के तीनों साइड रहता, ऊपर भी रहता, तो यह कार्बन 3 डिग्री हो जाता। तो यहाँ पर डिग्री हमें पता करनी है, तो एक 1 डिग्री है और दूसरा 2 डिग्री है। तो इन दोनों में कौन पहले रिएक्शन करेगा SN2 मैकेनिज्म से, यही पता करना है। आप जानते हैं SN2 मैकेनिज्म में सबसे पहले रिएक्शन करता है SN2 मैकेनिज्म में 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, तब 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री। तो इन दोनों में यह 1 डिग्री है और यह क्या है, 2 डिग्री है। तो पहले यह रिएक्शन करेगा और इसका रिएक्शन स्लो होगा। क्यों स्लो होगा, तो 2 डिग्री में स्टेरिक रिपल्सन होगा, स्पेस का कमी है, यहाँ पर अधिक स्पेस है, जो कि आपको पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा CH3 CH2 CH2, उसके बाद फिर यहाँ पर CH2 Br, या फास्ट रिएक्शन करेगा, और CH3 CH2 CH, यहाँ पर Br और CH3 या स्लो रिएक्शन करेगा। तो यह एक क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अब आते हैं इसी में का दूसरा क्वेश्चन बनाने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में वही SN1 SN2 के बारे में पता करना है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन को हम लिखते हैं और बनाते हैं। तो इसमें भी पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले डिग्री पता करेंगे। यदि डिग्री पता चल जाएगा तब हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो यह जो है कि क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 10.7 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो इसमें हम लोग पता करना है हम लोगों को कि कौन इन दोनों में कौन से कंपाउंड पहले SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करेगा। तो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करने के लिए यदि हम लोग को पता करना हो, तो सबसे पहले डिग्री पता करेंगे। तो यह जो कार्बन है, इसके एक साइड कार्बन है और इधर भी कार्बन है, यानी इसके दोनों साइड कार्बन है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। चाहे तो इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं CH H और यहाँ पर H। फिर इसका कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो, तो एक ऊपर एक नीचे, फिर कार्बन एक हाइड्रोजन ऊपर लिख दिए, ब्रोमीन नीचे, फिर यहाँ पर CH3 लिख दिए, या चाहे तो C और 3H अलग अलग लिख सकते हैं। तो यह जो कार्बन है, इसकी एक साइड कार्बन, यहाँ भी एक साइड कार्बन, तो दो साइड कार्बन है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री।
अब यहाँ पर आते हैं, यह जो कार्बन है इसकी एक साइड कार्बन, दो साइड कार्बन, यहाँ पर तीन साइड कार्बन, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका 3 डिग्री हो जाएगा। चाहे तो इसका अलग अलग हम लोग स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। यहाँ कार्बन लिख लीजिए, उसके बाद सी और 3 हाइड्रोजन होते हैं कि यहाँ पर एक, यहाँ फिर यहाँ, फिर एक कार्बन लिख लिए 3 हाइड्रोजन है तो एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पर, फिर इसका लिखते हैं तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, फिर यहाँ पर दिया ब्रोमीन। तो यह जो कार्बन है इसके तीनों साइड कार्बन है, एक साइड ऊपर, फिर इधर और फिर यहाँ पर, तो इसके तीन साइड कार्बन है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। तो यह कितना डिग्री हो गया, यह हो गया आपको 3 डिग्री। तो SN2 में सबसे पहले रिएक्शन करता है 0 डिग्री, 1 डिग्री और उसके बाद 2 डिग्री या सबसे कम होता है 3 डिग्री। तो SN2 मैकेनिक में हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले रिएक्शन करता है 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री। तो यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री है, तो दोनों में से सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, 2 डिग्री, यानी कि इस कंपाउंड का रिएक्शन फास्ट होगा। CH3, CH2, CH यहाँ पर Br और CH3, इसका रिएक्शन फास्ट होगा। और CH3, CH3, CH3 और Br, इसका रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो इसका रिएक्शन फास्ट होगा और इसका स्लो होगा। इसी प्रकार से आपको इसमें तीसरा क्वेश्चन है, आइए अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसका क्या होता है। तो यह जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को अब चलते हैं हम लोग बनाने। अब इसमें पूछा जा रहा है कि किसमें SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो SN2 रिएक्शन पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसका हम लोग सबसे पहले डिग्री पहचानते हैं कि इसका डिग्री क्या होगा, उसके बाद यह रिएक्शन आसान हो जाता है। तो डिग्री पहचानने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं कि यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर इस कार्बन पास एक हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन ऊपर और CH3 नीचे, तो CH3 नीचे लिख दिए। फिर कार्बन 2 हाइड्रोजन होते हैं कि ऊपर एक नीचे, फिर कार्बन 2 हाइड्रोजन होते हैं कि ऊपर एक नीचे और फिर यहाँ पर Br। तो यह एक कंपाउंड है, यदि इसका हम लोग डिग्री पता करें तो यह डिग्री क्या हो जाएगा इसका, आप देखेंगे तो इसके एक ही साइड कार्बन का कंपाउंड जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसी साइड कार्बन का कंपाउंड, यानी एक साइड कार्बन का कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। उसी तरह अब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, आपको C3H एक यहाँ पर, एक यहाँ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर C2H एक ऊपर एक नीचे, फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर CH ऊपर और CH3 नीचे, फिर आगे बढ़ते हैं तो C2H एक ऊपर एक नीचे और फिर यहाँ पर Br। तो यहाँ पर अगर डिग्री हम लोग पता करते हैं तो इस कार्बन के एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर यह भी हो जाएगा 1 डिग्री। तो इन दोनों कंपाउंड में अगर डिग्री हम लोग पता किए तो दोनों का डिग्री 1 डिग्री ही है। तो जब डिग्री एक समान हो जाए तब हम लोग को देखना होगा कि ब्रांच किस में नज़दीक है और किस में दूर है, यानी कहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 जो ब्रांच है वह इस कार्बन के पास SN2 रिएक्शन होता है, तो इस कार्बन से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर रिपल्सन कम होगा, यहाँ पर स्पेस अधिक है। लेकिन यहाँ इस कार्बन पर आते हैं तो यहाँ पर जो CH3 है इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर है, यहाँ स्पेस की कमी है, यहाँ पर रिपल्सन अधिक होगा। यदि इधर से पीछे से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पर यह आसानी से जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन अधिक होगा। और स्टेरिक रिपल्सन अधिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी है इस कार्बन पास। स्पेस की कमी क्यों है, क्योंकि CH3 इस कार्बन के पास काफ़ी नज़दीक है, जबकि इस कंपाउंड में CH3 ग्रुप इस कार्बन से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर स्पेस अधिक हो जा रहा है, स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पर कम होगा। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन यदि कम होता है तो सबसे पहले फास्ट रिएक्शन इस कंपाउंड का होगा और इसका स्लो हो जाएगा। यहाँ पर CH3, CH, CH3, यहाँ पर CH2, CH2 और यहाँ पर Br, इस कंपाउंड का रिएक्शन फास्ट होगा। और CH3, CH2, CH, यहाँ पर CH3, CH2 और Br, इस कंपाउंड का रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ पर स्पेस अधिक है और स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पर लो होगा, लो
स्टेरिक रिपल्सन, रिपल्सन लो स्टेरिक रिपल्सन, और जबकि इसमें मोर स्टेरिक रिपल्सन, इसमें स्टेरिक रिपल्सन अधिक होगा इसीलिए इसका रिएक्शन स्लो हो जाएगा और इसका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो जब डिग्री एक समान हो तो आप क्या करेंगे, तब उस समय हम लोग देखेंगे जिस कार्बन एटम के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके पास स्पेस उसके चारों तरफ कितना है। जिसके पास स्पेस अधिक होगा उसका रिएक्शन एस एन टू से अधिक तेज़ी से होगा, और जिसके पास स्पेस कम होगा वहाँ पर रिपल्सन होगा, इसीलिए वहाँ पर एस एन टू रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो याद रखेंगे जब डिग्री बराबर होगा तो क्या करेंगे, उस समय हम लोग स्टेरिक रिपल्सन या स्टेरिक फैक्टर ध्यान देंगे या उस कार्बन एटम के पास स्पेस देखेंगे। तो ये आपको तीसरा क्वेश्चन था। अब आते हैं इसी चैप्टर का आपको 10.8 हम लोग बनाने। तो चलिए, तो यह जो क्वेश्चन है वह आपको इसी एक्सरसाइज का इंटेक्स क्वेश्चन है 10.8। तो यह 10.8 जो क्वेश्चन है उसमें आपको पता करना है कि इन दोनों कंपाउंड में एस एन वन रिएक्शन किस में फास्ट होगा। तो चाहे एस एन वन रिएक्शन पूछे क्वेश्चन में या फिर एस एन टू रिएक्शन पूछे, हम लोग को सबसे पहले डिग्री प्राप्त करना होगा। यदि कार्बन एटम का डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो यह क्वेश्चन आसानी से हमसे बन जाएगा। तो आइए यहाँ पर डिग्री देखते हैं कैसे डिग्री प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जो कार्बन एटम है इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ पर फिर कार्बन, और यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर क्लोरीन। यह का जो कार्बन एटम है इसके तीनों साइड कार्बन के कंपाउंड है, तो इस कार्बन एटम का डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। अब आते हैं इस कंपाउंड पर, तो यहाँ पर कार्बन होगा, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन। इन सभी कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ, फिर यहाँ पर, फिर इसके साथ दो बॉन्ड इधर है, यहाँ पर 3, 1, 4 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर दो बॉन्ड है, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक कार्बन, तो तीन साइड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर 3 बॉन्ड हो चुका है तो 1 बॉन्ड हाइड्रोजन होगा। इसका हम लोग देखते हैं तो इस कार्बन के पास जो है कि 3 हाइड्रोजन होंगे, उसी तरह यहाँ भी 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो यह इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना चुके हैं। अब जब यह स्ट्रक्चर हम लोग बना लिए तो आते हैं अब डिग्री पता करने। तो डिग्री पता करना होगा तो इसका तो डिग्री 3 डिग्री है, और यहाँ पर आते हैं तो इस कार्बन के एक साइड कार्बन और फिर दो साइड कार्बन, तो इसके दोनों साइड कार्बन है इसीलिए इस कार्बन एटम का डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। तो यह 3 डिग्री कंपाउंड है और एक यह कितना कंपाउंड है, 2 डिग्री है। तो एस एन वन रिएक्शन में होता क्या है, एस एन वन रिएक्शन में सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री रिएक्शन करता है। और यह क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है, एस एन वन एस एन टू जो मैकेनिज्म आपको बता रहे थे तो उसमें इसको हम लोग बता चुके हैं। तो आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, 3 डिग्री। तो यह कंपाउंड 3 डिग्री है, यानी यह फास्ट रिएक्शन करेगा और इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस तरीका से, यह जो कंपाउंड है इसका फास्ट हो जाएगा रिएक्शन, और यह जो कंपाउंड है यहाँ पर इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है कि यहाँ पर स्लो हो जाएगा, तो यह स्लो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यह 10.8 का जो है कि पहला क्वेश्चन है। अब आते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन हमने बना लिया 10.8 का, फिर तीसरा 3 क्वेश्चन है। तो आइए दूसरे, तो आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि किसमें एस एन वन रिएक्शन अधिक फास्ट होगा। तो एस एन वन रिएक्शन फास्ट पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कंपाउंड का डिग्री, और कंपाउंड का डिग्री पता करने के लिए उसका हम लोग को स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आपको कि कंपाउंड का जो डिग्री पता करने के लिए स्ट्रक्चर, चलिए हम लोग लिखते हैं। तो यह जो स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ पर एक एक कार्बन हम लोग लिखते जाएंगे, और फिर यहाँ पर कार्बन, 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 और यहाँ पर क्लोरीन। फिर और यह इन सभी जगह चारों तरफ हाइड्रोजन होंगे, जिसको हम अभी नहीं लिख रहे हैं, आप चाहें तो अपने कॉपी में इसको लिख सकते हैं। तब आते हैं अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर क्लोरीन। तो सबसे पहले हम लोग को डिग्री पता करना होगा।
आइए यहाँ पर देखते हैं, यह जो कार्बन एटम है और डिग्री किस कार्बन एटम का पता करते हैं, जहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ हो उसी कार्बन एटम का हम लोग डिग्री पता करते हैं। तो यहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन एटम से, तो इस कार्बन एटम के दो साइड कार्बन के कंपाउंड है, एक इधर और एक इधर, इसका चार बॉन्ड होता है, तो एक दो तीन और एक यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देते हैं, तो यह इसका चार बॉन्ड हो चुका है, तो इसके दो बॉन्ड से कार्बन के कंपाउंड जुड़े हुए हैं, तो इसका डिग्री हो जाएगा आपको 2 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग इस कंपाउंड में इस कार्बन पर विचार करते हैं, चूँकि हैलोजन यहीं पर जुड़ा है, तो इसका चार बॉन्ड होता है, तो एक दो और एक यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तीन और एक यहाँ पर चार, तो इसका चारों बॉन्ड हो चुका है। तो अब इसमें इस कार्बन के एक ही साइड कार्बन के कंपाउंड है, इसीलिए इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। तो हम लोग अब आसानी से इस दोनों कंपाउंड का डिग्री पता कर लिए हैं कि कौन जो है कि 1 डिग्री है और कौन 2 डिग्री है। तो जब डिग्री हम लोग पता कर लिए हैं तो यह क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि सबसे पहले SN1 में 3 डिग्री रिएक्शन करता है, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में 0 डिग्री। तो इन दोनों में सबसे रिएक्शन फास्ट हो जाएगा इस कंपाउंड का, यानी यह जो कंपाउंड है उसका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और यह जो कंपाउंड है उसका रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो यह स्लो रिएक्शन करेगा, यह क्या होगा? फास्ट करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? यह मैकेनिज्म आपको बता दिया गया है कि SN1 में जो है कि जिस कंपाउंड में ब्रांच अधिक होता है वह पॉलेट टूटता है और कंपाउंड का प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर यह 2 डिग्री में ब्रांच ज़्यादा है और 1 डिग्री में ब्रांच कम है। तो इसका मैकेनिज्म आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। मैकेनिज्म आपको हम लोग बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर उसका अप्लीकेशन हो रहा है। अब इसी चैप्टर का 10.8 का यह क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 ही इसमें क्वेश्चन है, तो यह दोनों क्वेश्चन हम लोग बना दिए। तो अच्छे से इसको पढ़िए और जहाँ दिक्कत हो हमसे पूछेंगे। अब इसी आधार पर आपको आपके बुक में एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप लोग घर से बनाएंगे। वह कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए आपको बता देते हैं। एक्सरसाइज में यहाँ पर देखेंगे 10.16, एक्सरसाइज में 10.16 जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि SN2 में पूछा जा रहा है कि SN2 में कौन कंपाउंड अधिक तेज़ी से रिएक्शन करेगा, कौन स्लो करेगा। तो इसका देखिए यहाँ पर 10.2 है, तो इस 10.2 में आप लोग क्या करेंगे, 10.16 है, 10.2 नहीं है, 10.16 यहाँ पर देख लेंगे, 10.16 है यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.16, इसमें SN2 पता करना है कि किस कंपाउंड में अधिक तेज़ी से होगा और किस में स्लो होगा। तो यहाँ पर आपको बुक में जो क्या है कि आपके बुक में उसका नाम लिखा हुआ है, तो नाम से आपको पहले स्ट्रक्चर लिखना होगा और स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको डिग्री पता करना होगा। यदि डिग्री पता चल जाता है तो रिएक्शन आपको आसानी से बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस में रिएक्शन फास्ट होगा, किस में स्लो होगा। तो SN2 में कौन फास्ट होता है? 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, तब 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री। तो इसको आप लोग खुद से बनाइए और जहाँ पर दिक्कत हो आप हमसे फिर इसको पूछ सकते हैं। इसको कल वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे और एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में आगे पढ़ेंगे, चूँकि यह लास्ट टॉपिक है। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे समाप्त होगा, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी तो हो चुका है, तो केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त होने के जस्ट बाद हम लोग यूज शुरू करेंगे कि हेलो एल्केन कंपाउंड का क्या क्या यूज होता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसमें लेट से ज्वाइन किए हैं और लेट से पता किए हैं, पढ़े हैं, तो उन लोगों को समझाने के लिए हम एक बार फिर यहाँ पर रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन चैप्टर शुरू किए तो उसमें क्या पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू किए हैं हेलो एल्केन, तो उसमें हम लोग पढ़ें कि हेलो एल्केन कहते किसको हैं, वह कितना प्रकार का होता है, उसके कौन कौन से स्पेशल कंपाउंड है, उसके बाद उसका नाम कैसे लिखा जाता है, फिर हेलो एल्केन बनता कैसे है, यानी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़े। तो उसमें बहुत सारा हम लोग रिएक्शन पढ़े, कॉमन रिएक्शन पढ़े, नेम रिएक्शन पढ़े, जैसे उर्ज रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अल्कन जो है कि आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन, फाइनकेल एस्टीन रिएक्शन, यह सब रिएक्शन हम लोग पढ़ें। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अभी तक हम लोग नहीं पढ़े, आगे पढ़ना है, और उर्ज रिएक्शन भी हम लोग रिएक्शन में पढ़ेंगे, यह गलत आपको बोल दिए हैं। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें पढ़े सैंडमेयर रिएक्शन पढ़े, फ्री रेडिकल रिएक्शन पढ़े, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, आपको मार्कोनिक एडिशन रिएक्शन पढ़े,
उसके बाद फाइनकेल स्टीन पढ़े, स्वाट रिएक्शन पढ़े, तो बहुत सारा रिएक्शन हम लोग पढ़े जिससे कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन का निर्माण होता है। तो जब यह बन गया तो बनने के बाद इस कंपाउंड का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी होता है, यह हम लोग को जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी जाने, और फिजिकल प्रॉपर्टी जानने के बाद अभी हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा रिएक्शन विथ मेटल है। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में पहला टाइप पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बाद एलिमिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको रिएक्शन विथ मेटल पढ़ेंगे, और लास्ट में यह जो कंपाउंड बन जाएगा हेलो एल्केन हेलो एरिन, तो इसका यूज पढ़ेंगे कि यह कहाँ कहाँ यूज होता है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, उसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप इसमें का क्वेश्चन बनाइएगा, जो दिक्कत होगा हमसे पूछेंगे, और तब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे अल्कोहल फिनॉल और ईथर। तो इसको पढ़िए और ध्यान से जो कि देखिए बोर्ड पर, जो भी दिक्कत हो तो आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब एक चीज़ और जो है कि विद्यार्थी लोग का कहना था कि सर जो है कि कोरोना जो बीमारी उत्पन्न हुआ है उससे बचने के लिए कुछ उपाय बताया जाए, तो उससे बचने के लिए सबसे सिंपल उपाय है कि आप चाय पीना छोड़ दीजिए और काढ़ा बना कर पीजिए। तो काढ़ा में क्या क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो काढ़ा में हम लोग इस्तेमाल करेंगे तुलसी जी का पत्ता, गोलमिर्च, उसके बाद आदि या दालचीनी होगा, इन सबको मिला के और अच्छे से खौला के काढ़ा बना दीजिए। और काढ़ा बनाने का एक तरीका होता है, यह नहीं कि उसको डाल के और बॉयल कर दिए और फिर पीना शुरू कर दिए। काढ़ा बनाने का क्या तरीका होता है कि एक गिलास अगर पानी लेते हैं तो तब तक उसको बॉयल कीजिए, खौलाइए, जब तक वह एक कप नहीं हो जाए। तो उस स्थिति में जब आ जाए तो आपका वह कलर डेवलप हो जाएगा और समझिए कि आपका काढ़ा तैयार हो गया। स्वाद के लिए चाहे तो उसमें आप हल्का सा जो है कि सेंधा नमक उसमें डाल सकते हैं, तो उसको डाल के और पीजिए। और तो इससे क्या होगा कि एक तो गैस का प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, और जो है कि आपको सांस से संबंधित जितने बीमारी हैं सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। एक चीज़ आप और ध्यान देंगे कि यह काढ़ा क्यों पीने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को, झारखंड सरकार, उसके बाद राजस्थान सरकार, सभी जगह इसको बताया गया कि आप लोग काढ़ा का उपयोग कीजिए। होता क्या कि यह जो वायरस का इन्फेक्शन है, यह इन्फेक्शन 7 दिन तक आपके गला में यहाँ पर रिजर्व रहता है, 7 दिन के बाद ही यह शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो यदि आप इस काढ़ा का प्रयोग कर रहे हैं सुबह शाम, तो यह 7 दिन के अंदर इस काढ़ा के प्रभाव से यह नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर यानी फेफड़े तक नहीं पहुंच पाएगा और आप बीमारी से बच जाएंगे। तो इसका उपयोग कीजिए, जहाँ पर दिक्कत हो फिर हमसे पूछेंगे। और जब क्लास आपका शुरू होगा तो पेपर में अलाउंस किया जाएगा, आएगा सरकार का जब डिसीजन होगा तो हम लोग निश्चित क्लास खोलेंगे। और क्लास जब भी खुलेगा आपका पढ़ाई अलग तरीका से होगा, और उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराएंगे, आपका सिलेबस बिल्कुल सही समय पर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको ध्यान दीजिए, जहाँ भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं आप। फ़ोन करने का टाइम आपको बता चुके हैं, फ़ोन करने का टाइम है दिन में 10 बजे से लेकर 12 बजे दिन के 20 तक।